हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज कर ली थी, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो द टॉपिक इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लॉ क्या है, इन्हीं प्रिंसिपल्स से, ये जो सारे लॉ दिए हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स से हमें जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि ए को मैंने ले लिया है 1, ठीक है। ए को क्या लिया है, 1। बी को 2 ले लिया है। उसी तरह एम, इन द सेम वे आई हैव टेकन एम इज एज 1 एंड एन एज 2। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, एम की 1 है और एन की 2 है। नाउ वी कम टू द लॉस। अब हम लॉस की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए अपॉन बी एम प्लस एन। अब यहाँ पे देखिए ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर मल्टीप्लाई हो रही है, एम और एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे एड हो जाती है पावर, ठीक है। ये आपका पहला लॉ है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए, ए क्या है 1, बी है आपका 2 और यहाँ पे एम है, एम की वैल्यू कितनी है 1, फिर है इंटू 1 अपॉन 2, ये है ए अपॉन बी। उसके बाद यहाँ पे एन है, एन की पावर 2 है। जब भी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 को लिख देंगे और एड कर देंगे पावर 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 2 होल की पावर 3, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव टू अनदर। चार लॉ है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लॉज है टोटल। इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आप ये वाला चैप्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला लॉ हो गया। नेक्स्ट आइए आप देखिए, नेक्स्ट देखिए है ए डिवाइडेड बाय बी की पावर एम। ए डिवाइडेड बाय बी इसकी पावर एम है। डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बी की पावर एन से तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप फर्क समझिए, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी और जहां डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे एम है, एम कितना है 1, एम को यहाँ 1 ले लेंगे, एन है कितना 2, एन 2 है तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना होगा -1। यहाँ पे हम लिख देंगे -1, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपकी पावर ऐड हो जाएगी और जब डिवाइड होगा तो आपकी पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हम एम को एन से माइनस करेंगे तो एम हमारा 1 है तो जब हम 1 को माइनस करेंगे 2 से तो ये आएगा -1, ठीक है, क्या आएगा -1। तो यही मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं बल्कि लॉ, लॉ नंबर 3 पे। ये है ए अपॉन बी होल की पावर एम। ये यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में है, ठीक है, और जब इसको हम बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे उसके ऊपर एन लिख देंगे तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एम इंटू एन। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ए अपॉन बी स्मॉल ब्रैकेट में होगा तो ये वाले ब्रैकेट में जब पावर एन होगी, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम इंटू एन। एम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एन से, ठीक है। एम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एन से। अब हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। जब मल्टीप्लाई का साइन होगा ए अपॉन बी का तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जब डिवाइड होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस और माइनस ये है। मल्टीप्लाई कब होगा, जब ऐसे बना रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है, तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है आपकी, ये है एन, ठीक है, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन सी। ए अपॉन बी और ए अपॉन सी दोनों ब्रैकेट में है, ठीक है, दोनों किसमें है, ब्रैकेट में, और ये एन लिखा है यहाँ पे, इसकी पावर क्या है एन। तो हमने इसको बाइफरकेट कर दिया, जैसे ए अपॉन बी इसकी भी पावर एन होगी और सी अपॉन डी इसकी भी पावर एन होगी। क्यों, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट में और इसे एन इसके बाहर लिखा है तो हम लिख देंगे ए अपॉन बी ब्रैकेट एन इंटू सी अपॉन डी की पावर एन। ये आपका हो गया फोर्थ लॉ। सेकेंड फिफ्थ है, ये भी इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए ए अपॉन बी, ए अपॉन बी ब्रैकेट में है और सी अपॉन डी ये भी ब्रैकेट में है,
ठीक है, ये आउटर ब्रैकेट है, ये इनर ब्रैकेट है, फिर ये जो आउटर ब्रैकेट है इस पे एन लगा हुआ है पावर, इसकी पावर क्या है एन, ठीक है, इसकी पावर एन है, जो इनर ब्रैकेट है वो दोनों में, और जो आउटर वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं बाहर वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, आउटर, यहाँ पे एन लगा हुआ है, तो मतलब ए डिवाइडेड बाई बी की पावर भी एन होगी, और ए डिवाइडेड बाई और सी डिवाइडेड बाई डी की पावर भी एन होगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे 5 लॉज, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो योर होमवर्क इज टू लर्न दीज लॉज, इन लॉज को आपको लर्न करना है और इसकी ऑडियो बना के भेजना है, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसकी ऑडियो बना के भेज दीजिएगा। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो ये ऐड हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट होगा ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है, जब डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा, डिवाइड होगा माइनस होगा, जब ब्रैकेट इनर ब्रैकेट और आउटर ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारे सिंपल है, ये पूरा ब्रैकेट में है, तो जब हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो ए बाय बी भी एन की पावर हो जाएगी और सी बाय डी की भी पावर एन हो जाएगी। यहाँ पे ये होल ब्रैकेट आउटर वाला ब्रैकेट एन है, मतलब ये सारे जितने अंदर हैं उसको हम एन के एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट लगाएंगे, ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाई की पावर भी एन हो जाएगी और सी डिवाइडेड बाई डी की पावर भी एन हो जाएगी।